दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने को लेकर, कैसे भारत का फाइनल तक का सफर हो सकता है। तो अंत तक आप हमारे इस वीडियो में बने रहें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं और इस तरह स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बता दें, बांग्लादेश पर 2-0 से श्रृंखला जीतने के बाद भारत ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की अच्छी स्थिति में है, जिससे विश्व क्रिकेट में सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी उठाने का एक और मौका है। वहीं भारत 2021 में साउथहैम्पटन में अंतिम चरण में न्यूजीलैंड से हार गया था। WTC यानी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सिर्फ 9 टेस्ट खेलने वाली टीमों के बीच 2 साल की लीग के रूप में खेला जाता है, और फिर 2 टीमों के बीच एक नॉकआउट फाइनल होता है, जो 2021-23 में पहले प्रतियोगिता के बाद अपने दूसरे चक्र में है। इस बार फाइनल जून में लंदन के द ओवल में खेला जाएगा। बता दें, ऑस्ट्रेलिया 76.92% अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि भारत 58.93% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। एक जीत से एक टीम को 12 अंक, टाई होने पर 6 अंक और ड्रॉ होने पर 4 अंक मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 13 टेस्ट मैच खेले हैं और 6 और खेलने हैं, मेलबर्न में मौजूदा एक और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिडनी में, और फिर भारत में 4 टेस्ट मैचों की श्रीलंका खेले जाने हैं। भारत ने 14 टेस्ट मैच खेले हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज अभी बाकी है। बता दें, ऑस्ट्रेलिया का फाइनल में पहुंचना लगभग तय है। सबसे खराब स्थिति में यदि वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मेलबर्न में मौजूदा टेस्ट जीतते हैं लेकिन सिडनी में अगला हार जाते हैं और फरवरी मार्च में भारत से 1 दिन से पिछड़ जाते हैं, तब भी उनके पास उपलब्ध अंकों का 63.15% होगा। तो वहीं अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को घर में 3-1 से हराता है तो वह उपलब्ध अंकों के 62.5% के साथ लीग चरण को समाप्त करेगा। हालांकि सीरीज ड्रॉ होने पर भी भारत के 56.94% अंक हो जाएंगे। दोनों ही मामले में स्लो ओवर रेट के कारण उन पर लगाए गए 5 पेनल्टी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए भारत सीरीज हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं हम बता दें, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका भारत से नीचे है। यदि अफ्रीका ने अगले 2 टेस्ट डाउन अंडर में परिणामों को विभाजित किया तो वे अपने वर्तमान 54.55% से गिरकर 53.84% पर पहुंच जाएंगे। तो वहीं श्रीलंका के न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने 2 टेस्ट शेष हैं। सर्वोच्च स्थिति में वे श्रृंखला ड्रॉ कर सकते थे। इस मामले में वे 53.33% से फिसल कर 52.78% के साथ अपने अभियान को समाप्त करेंगे। भारत के अपने पिछले 3 दौरों में ऑस्ट्रेलिया को 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-0, 4-0 और 2-1 से हार का सामना करना पड़ा है। 2016-17 में सबसे हालिया मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय परिस्थितियों में भारत की तुलना में अपनी क्षमताओं के मामले में निश्चित रूप से अंतर को कम कर दिया है। इस साल की शुरुआत में उन्होंने अपनी प्रगति को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान में 1 श्रृंखला जीती है। वहीं वेस्टइंडीज और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मार्कस लाबुसेन, स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के ऑस्ट्रेलियाई मध्यक्रम ने एक शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि पैट कमिंस की अगुवाई में तेज गेंदबाजों के साथ ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने भी जबरदस्त काम किया है। दूसरी ओर भारत बांग्लादेश श्रृंखला के बाद थोड़ा चिंतित होगा। स्पिन के खिलाफ विराट कोहली और केएल राहुल की विफलता एक बड़ी चिंता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की क्षमता वाली बल्लेबाजी लाइनअप के खिलाफ गेंदबाजी आक्रमण की क्षमता है। इसी के साथ रोहित शर्मा की वापसी से शीर्ष क्रम को मिलेगी मजबूती, लेकिन भारतीय टीम में जगह के सभी दावेदारों के लिए जनवरी में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में श्रृंखला की तैयारी के रूप में वापसी करना एक बुरा विचार नहीं हो सकता है। इसके अलावा जबकि श्रेयस अय्यर बांग्लादेश में शानदार रहे थे, पिचों में उछाल आने वाले तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं कर सकता है, लेकिन सीजन में बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी 2 पारियों में शॉर्ट गेंदों पर आउट हुए थे। इधर 2021-23 WTC फाइनल में प्रवेश करने के लिए इंग्लैंड के लिए बहुत देरी हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले सीजन में विपक्ष की धज्जियां उड़ाई है, जिसमें पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करना भी शामिल है, वे 2023-25 चैंपियनशिप में एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी वह पूरी कारण जिससे हमने बताने का प्रयास किया है कि कैसे भारत ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंच सकता है। अगर इस पर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।